नमस्कार, हम आपको कल से आपको सेकंड चैप्टर बता रहे थे। हम चैप्टर का नाम था गॉस का नियम एवं इसके अनुप्रयोग। तो उसी चैप्टर में हम आगे चल रहे हैं। हमने पिछले वीडियो में आपको विद्युत फ्लक्स बताया था, अब हम उसी चैप्टर में माना सतत आवेश वितरण, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यदि किसी वस्तु को क्या होता है सतत आवेश वितरण, यदि किसी वस्तु को दिया गया आवेश उस पर एक समान रूप से, यदि किसी वस्तु को दिया गया आवेश उस पर एक समान रूप से वितरित हो तो इसे आप किसी वस्तु को आवेश देते हैं और वह आवेश एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, बट जाता है उस पर एक समान रूप से वितरित हो तो इसे सतत आवेश वितरण कहा जाता है। तो इसे सतत आवेश वितरण कहते हैं। किसी वस्तु को आवेश दिया गया और वह आवेश उस वस्तु पर समान रूप से क्या हो जाता है, बट जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो आप कहेंगे सतत आवेश, आवेश का क्या हो गया वितरण। और आवेश वितरण, सतत आवेश वितरण तीन प्रकार का होता है। यह तीन प्रकार का है, यह तीन प्रकार का होता है। पहला है रेखीय आवेश वितरण, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। रेखीय आवेश वितरण, आवेश का वितरण हो रहा है, आवेश का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। और आवेश का वितरण किस पर हो रहा है, किसी रेखा पर। रेखा के रूप में जैसे तार है, कोई छड़ है, आप छड़ को तार को आवेशित करते हैं, वो आवेश पूरे तार पर एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो आप कहेंगे रेखीय विस्तार छड़, और आवेश का क्या हो गया वितरण, तो ये रेखीय आवेश वितरण। रेखीय आवेश वितरण का मतलब है आवेश का वितरण किसी रेखा पर एक समान रूप से होता है। रेखा का मतलब जैसे तार पर या छड़। जब किसी वस्तु पर या रेखीय आवेश वितरण, जब आवेश का वितरण किसी आवेश का वितरण किसी रेखा के अनुदिश एक समान, जब आवेश का वितरण इस पर आवेश का वितरण क्या हो रहा है किसी रेखा का, जब आवेश का वितरण किसी रेखा के अनुदिश एक समान रूप से होता है,
से रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। इसे रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। आवेश का क्या होता है? वितरण हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। किसके ऊपर हो रहा है? रेखा के ऊपर। रेखा का मतलब रेखीय स्थिति, जैसे तारे अक्षर। तो जब आवेश का वितरण किसी रेखा के अनुदिश एक समान रूप से होता है तो हम इसको बोलते हैं रेखीय आवेश वितरण। जैसे आपको बताया तार या छड़ पर रेखीय आवेश वितरण के बाद इसमें आप देखेंगे रेखीय आवेश घनत्व है। रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है? रेखीय आवेश वितरण के अंदर है रेखीय आवेश घनत्व। लाइनर चार्ज डेंसिटी, लाइनर चार्ज डेंसिटी रेखीय आवेश घनत्व। आप इसमें देख रहे हैं आवेश का डिस्ट्रीब्यूशन तीन जगह होता है। एक का होता है रेखा पर, जैसे मैंने एग्जांपल दिया तार पर या छड़ पर। आवेश का समान रूप से डिस्ट्रीब्यूशन होना सतत आवेश वितरण है। और आवेश का वितरण रेखा पर रेखीय आवेश वितरण, आवेश का वितरण क्षेत्रफल पर क्षेत्रीय आवेश वितरण, आवेश का वितरण आयतन पर आयतन आवेश वितरण। तो रेखीय आवेश घनत्व इसमें क्या है? रेखा मीन्स लंबाई, तार या छड़। तो रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है? प्रति एकांक लंबाई पर, प्रति एकांक लंबाई पर, प्रति एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा को प्रति एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा को आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। कितनी लंबाई पर? एकांक लंबाई पर आवेश की जितनी मात्रा उपस्थित है उसको हम बोलते हैं रेखीय आवेश घनत्व। क्योंकि आवेश कहां पर है? रेखा पर, लंबाई पर तार है। तो प्रति एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे किससे व्यक्त करते हैं? इसे लैम्डा से व्यक्त करते हैं। मैं आगे बताता हूं। इसे लैम्डा से व्यक्त करते हैं। तो आपने देखा ये रेखीय आवेश घनत्व इसको किससे व्यक्त करते हैं? इसको किससे व्यक्त करते हैं? इसे लैम्डा से व्यक्त करते हैं। रेखीय आवेश घनत्व को लैम्डा से व्यक्त करते हैं। यदि सूक्ष्म लंबाई अवयव डी है पर उपस्थित आवेश डी क्यू हो तो
लंबाई डी है और सूक्ष्म लंबाई पर उपस्थित आवेश सूक्ष्म आवेश डी क्यू है। तो रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी है। एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा रेखीय आवेश घनत्व कहलाती है। यानी लंबाई एम पर आवेश क्यू हो तो रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन एम। और सूक्ष्म लंबाई पर आवेश सूक्ष्म आवेश डी क्यू है तो लैम्डा इक्वल टू डी क्यू अपॉन एम। और लंबाई एल है उस पर कुल आवेश की हो तो रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा इक्वल टू डी अपॉन एम। इसका मात्रक देख रहे हैं, इसका मात्रक क्या है, आवेश का मात्रक कूलाम लंबाई का मीटर। क्या होता है, कूलाम प्रति मीटर होता है। तो ये लंबाई पर आवेश की मात्रा, आवेश अगर लंबाई पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो रेखीय आवेश है। आवेश अगर एरिया पर सीट पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो क्षेत्रीय आवेश घनत्व है। आवेश अगर वॉल्यूम जैसे गोले पर समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो आयतन आवेश वितरण है। तो मैंने आपको रेखीय आवेश वितरण के बारे में बताया। अब दूसरा है क्षेत्रीय आवेश वितरण। रेखीय आवेश वितरण पृष्ठीय आवेश वितरण बोलते हैं इसको। क्षेत्रफल पर यानी पृष्ठ पर और आयतन आवेश वितरण। तो दूसरा है रेखीय आवेश वितरण पृष्ठीय आवेश वितरण पृष्ठीय आवेश वितरण सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अभी आपको बताया जब आवेश का वितरण किसी रेखा पर समान रूप से है तो रेखीय आवेश, और जब आवेश का वितरण किसी पृष्ठ पर है समान रूप से तो पृष्ठीय आवेश वितरण। जब आवेश का वितरण किसी पृष्ठ पर, जब आवेश का वितरण किसी पृष्ठ पर एक समान रूप से, जब आवेश का वितरण किसी पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित होता है, या जब आवेश का वितरण किसी पृष्ठ पर एक समान रूप से होता है तो इसे पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। तो इसे पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। जब आवेश का वितरण किसके ऊपर हो रहा है, किसी सरफेस पर पृष्ठ पर एक समान रूप से होता है तो इसे पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। जैसे
सीट पर। अब मैं पृष्ठीय आवेश घनत्व, जैसे रेखीय आवेश घनत्व उसी प्रकार से पृष्ठीय आवेश घनत्व सरफेस चार्ज डेंसिटी वहां पर आपने अभी देखा था रेखी में इस रेखा की लंबाई पर आवेश का डिस्ट्रीब्यूशन था। प्रश्न है जैसे एक सीट है आयताकार सीट है इसको हमने आवेश दिया और आवेश इस सीट पर एक समान रूप से क्या हो गया डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो आवेश का डिस्ट्रीब्यूशन किसके ऊपर आए प्रश्न, तो ये क्या हुआ पृष्ठीय आवेश वितरण रेखीय रेखा पर रेखीय आवेश वितरण किसी सीट पर पृष्ठ पर पृष्ठीय आवेश वितरण। आवेश का वितरण सरफेस पर हो रहा है, आवेश का वितरण लंबाई पर हो रहा है और पृष्ठीय आवेश घनत्व अभी आपको बताया रेखीय आवेश है प्रति एकांक एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा और यहाँ एकांक उसका क्या निकालेंगे क्षेत्रफल पर, वह लंबाई पर था ये क्षेत्रफल पर है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम बताएंगे प्रति एकांक क्षेत्रफल पर प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा को प्रति एकांक वह एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा थी रेखा की लंबाई और पृष्ठीय क्षेत्र प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं इसे ये छोटा सिग्मा इसे सिग्मा से व्यक्त करते हैं। अभी आपको बताया एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा या एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा उसको हम पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं, इसे सिग्मा से व्यक्त करते हैं। यानी सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव सूक्ष्म लंबाई दी है लंबाई है सूक्ष्म लंबाई दी है ऐसे सूक्ष्म क्षेत्रफल पूरा एरिया ए और सूक्ष्म एरिया को डी ए से रिप्रेजेंट करते हैं। यदि सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव डी ए पर आवेश की मात्रा डी क्यू हो तो क्या पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी ए। आपने देखा वहां डी क्यू अपॉन डी ए था लंबाई पर आवेश या एरिया क्षेत्रफल पर आवेश अल्पांश क्षेत्रफल पर अल्पांश आवेश है तो पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर डी क्यू अपॉन डी ए। अगर क्षेत्रफल ए है उस पर आवेश क्यू है तो पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होगा आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हुआ पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। हम क्या बता रहे हैं आवेश डिस्ट्रीब्यूशन
राष्ट्रीय क्षेत्र बार एक बार आवेश क्यू हो तो राष्ट्रीय आवेश घनत्व राष्ट्रीय आवेश घनत्व सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए। इसका मात्रक आप देख रहे हैं, आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम प्रति एरिया में लंबाई थी मीटर या एरिया है क्षेत्र पर मीटर स्क्वायर। इसका मात्रक कूलाम पर मीटर स्क्वायर होता है। मैंने आपको रेखीय आवेश वितरण बताया, पृष्ठीय आवेश वितरण, और तीसरा है आयतन आवेश वितरण। आयतन आवेश वितरण वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, अभी आपको बताया था आवेश का वितरण एक रेखा पर हो रहा है छड़ पर, जैसे रॉड पर हो रहा है छड़ पर हो रहा है तो रेखीय आवेश वितरण हो जाता है। उसी प्रकार आवेश का वितरण एक पृष्ठ पर हो रहा है, पृष्ठीय आवेश वितरण हो गया। अब आवेश का वितरण कहाँ पर हो रहा? आयतन, जैसे गोला है, गोले को आवेश किया जाए और आवेश समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, पूरे गोले पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए तो हो गया आयतन आवेश। तो जब आवेश का वितरण किसी वस्तु के संपूर्ण आयतन में, जब आवेश का वितरण किसी वस्तु के संपूर्ण आयतन पर एक समान, जब आवेश का वितरण कहा संपूर्ण आयतन वस्तु के संपूर्ण आयतन पर एक समान रूप से होता है, एक समान रूप से होता है तो इसे आयतन आवेश वितरण कहते हैं, आयतन आवेश वितरण कहते हैं, आयतन आवेश वितरण कहते हैं। आपने देखा जब आवेश का वितरण कहां पर होगा? आवेश का वितरण संपूर्ण आयतन पर एक समान रूप से होता है तो इसे आयतन आवेश वितरण कहते हैं। जैसे गोले पर, जैसे गोले पर आवेश वितरण, जैसे गोले पर आवेश वितरण, अब आयतन आवेश घनत्व रेखीय आवेश वितरण होता है रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण पृष्ठीय आवेश घनत्व, आयतन आवेश वितरण आयतन आवेश घनत्व, प्रति एकांक लंबाई पर रेखीय आवेश घनत्व, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा पृष्ठीय आवेश, और प्रति एकांक आयतन पर आवेश की मात्रा आयतन आवेश घनत्व। तो अब मैं आपको आयतन आवेश घनत्व बताता हूं। तो आपने ये देखा आयतन आवेश घनत्व क्या है, प्रति एकांक आयतन पर आवेश की मात्रा। आज हम आवेश के वितरण को बता रहे, वस्तु को आवेश दिया और वो आवेश डिस्ट्रीब्यूट।
होता है उस वस्तु पर तो हम उसको बोलते हैं आवेश होता है। और कैसे होते एक समान रूप से तो हो गया सतत आवेश। यदि सूक्ष्म आयतन अवयव आयतन कैसा सूक्ष्म आयतन अवयव डी वी वॉल्यूम पर आवेश डी क्यू हो तो सूक्ष्म आयतन अवयव डी वी पर आवेश डी क्यू हो तो आयतन आवेश घनत्व रो इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी वी प्रत्येकांक आयतन पर आवेश की मात्रा। आप इसको इस प्रकार भी ले सकते हैं यदि आयतन ही पर आवेश की मात्रा क्यों हो तो रो इक्वल टू क्यू अपॉन वी वॉल्यूम। इसका मात्रक आपने देखा, इसका मात्रक आवेश का मात्रक गुणा वॉल्यूम का होता है मीटर क्यूब। इसका मात्रक है कूलाम प्रति मीटर क्यूब होता है। इसका मात्रक कूलाम पर मीटर क्यूब होता है। तो आप ये आवेश वितरण के बारे में देखना। अब आवेश वितरण के कारण हम आपने पिछले चैप्टर में देखा बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत ध्रुव के कारण, लेकिन यहां हम बिंदु आवेश के कारण नहीं देख रहे हैं, आवेश वितरण के कारण देख रहे हैं। आवेश वितरण के कारण किस प्रकार से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम निकालेंगे, जैसे मैं आपको बताता हूं सतत आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सतत आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा, ये मैंने आपको सतत आवेश वितरण बताए, रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण और आयतन आवेश वितरण।
आवेश वितरण सतत आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत क्षेत्र या सतत आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सतत आवेश वितरण के कारण हम विद्युत क्षेत्र निकालेंगे। तो सतत आवेश वितरण कितने प्रकार की तीन प्रकार की, जैसे पहला है रेखीय आवेश वितरण के कारण, रेखीय आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र, रेखीय आवेश वितरण के कारण आप विद्युत क्षेत्र निकाल रहे हैं, सतत आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र। तो आपने पहले रेखीय आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र निकाला। माना आप देख रहे हैं ये कोई रेखा है, रेखा मीन्स यहाँ छड़ है, आप ये देख रहे हैं ये छड़ है, एक तार है और ये तार क्या है आवेशित है, तार को आवेश दिया क्यू और वह क्यू आवेश पूरे तार के ऊपर एक समान रूप से बट गया, वितरण हो गया आवेश का, आवेश बट गया पूरे तार के ऊपर। तार यहाँ क्या एक प्रकार की रेखा और इस तार पर आवेश का क्या हो गया वितरण, यह रेखीय आवेश। अब रेखीय आवेश वितरण के कारण हमें किसी बिंदु पर क्या निकालनी है, विद्युत क्षेत्र। आवेश है लेकिन आवेश रेखा पर डिस्ट्रीब्यूट है। आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा है ये कोई बिंदु आवेश है और बिंदु आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र है, और हमने कहा विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर जैसे बिंदु पी है यहाँ पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, माना बिंदु आवेश से बिंदु कितनी दूरी पर है आ, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये कितनी होती है आप जानते हैं, बिंदु आवेश के कारण 1/4πε0qr2, ये बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का आप इसको वेक्टर के रूप में लिखेंगे, ई वेक्टर तो यहाँ लगा देंगे आर है, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर के रूप में होगी। अब यहाँ तो बिंदु आवेश के कारण है, अब ये बिंदु आवेश के कारण नहीं, आवेश डिस्ट्रीब्यूशन के कारण, आवेश विभाजित हो गया इसके कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो अब आप इसको देखेंगे, माना इसकी अल्पांश लंबाई डी एल और इस पर अल्पांश आवेश कितना है डी क्यू, पूरी छोटी लंबाई एल है, आपने इसका अल्पांश वाले अल्पांश लंबाई दी है अल्पांश आवेश डी क्यू और इस अल्पांश आवेश है इसके चारों बिंदु क्षेत्र है, और मान लो ये बिंदु पी है, इस अल्पांश आवेश के कारण बिंदु पी पर क्या निकालनी है, यहाँ बिंदु पी पर बिंदु क्षेत्र निकालना है, बिंदु क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, और इस अल्पांश आवेश से ये कितनी दूरी पर है, बिंदु पी आर दूरी पर है, क्या निकालना है यहाँ पर,
ये आर्क है। तो पहले अल्पांश आवेश के कारण, अल्पांश आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र निकलेगा। फिर निकालेंगे संपूर्ण आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र। तो आप जानते हैं अल्पांश आवेश dQ के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अल्पांश आवेश के कारण dQ के कारण। तो ये क्या है dE, अल्पांश आवेश का विद्युत क्षेत्र क्या होगा dE, लंबाई अल्पांश लंबाई डी है, अल्पांश आवेश डी क्यू, अल्पांश विद्युत क्षेत्र डी। तो इस आवेश के कारण आप जानते हैं किसी आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला 1/4πε0, आवेश कितना है डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, वेक्टर के रूप में क्या आएंगे के। तो ये अल्पांश आवेश dQ के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। कैसी अल्पांश। अब आप निकालेंगे संपूर्ण आवेश के कारण, तो संपूर्ण आवेश के कारण बिंदु विद्युत क्षेत्र, संपूर्ण आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, संपूर्ण आवेश के कारण अल्पांश आवेश के कारण निकाल रही है और हम पूरे संपूर्ण आवेश के कारण यहां पर निकालेंगे। तो संपूर्ण के लिए हम इसका क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। तो E वेक्टर क्या कर देंगे, समाकलन 1/4πε0 डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर है। संपूर्ण आवेश के लिए क्या कर दिया, ई हो गया और इसका समाकलन। लेकिन ये आवेश डी क्यू कहां पर है, कितनी लंबाई पर है ये आवेश डी क्यू, dl लंबाई। तो अभी आपने बताया लंबाई पर है, तो आपको मालूम है अभी हमने बताया था कि रेखा पर है, लैम्डा बराबर क्या है डी क्यू अपॉन डी एल। रेखी आवेश घनत्व लैम्डा बराबर डी क्यू अपॉन डी एल, इसीलिए डी क्यू बराबर क्या हो जाएगा लैम्डा डी एल। तो डी क्यू बराबर लैम्डा डी एल। तो हम यहाँ डी क्यू आवेश डी एल लंबाई पर है, तो डी क्यू के स्थान पर क्या लिखेंगे डी क्यू बराबर लैम्डा डी एल। तो आवेश किस पर है, लंबाई पर। तो हम यहाँ डी क्यू के स्थान पर ये मान रख देंगे। तो देखिए ये मान रखता हूं मैं आपके सामने, आप इसे देख मान को रखता हूं equal to 1/4πε0 dQ के स्थान पर हमने रख दिया लैम्डा dl अपॉन r स्क्वायर r के। अब आपको मालूम है इंटीग्रेशन के अंदर जो कांस्टेंट होता है उसको बाहर निकाल, तो ये कांस्टेंट है 1/4πε0 और ये आपको मालूम है यहाँ लैम्डा क्या है, कांस्टेंट है। लैम्डा क्या है, लैम्डा नियत है। तो बाहर निकाल लिया इंटीग्रेशन में क्या बचा डी एल अपॉन आर स्क्वायर आर है, ये बन गया रेखीय आवेश वितरण के कारण किसी
बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये हमने रेखीय आवेश वितरण के कारण बताया। ऐसे विद्युत क्षेत्र हम पृष्ठीय आवेश वितरण के कारण बताए।